हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो यस्टरडे क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी का बेसिक डिस्कस किया था। अगर आपको रिमेम्बर है, यस्टरडे क्लास में हमने एक्सपेरिमेंट, रैंडम वेरिएबल, आउटकम, ट्रायल, सैंपल पॉइंट, सैंपल स्पेस, ये बेसिकली हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, जो हमने कल कवर किया था। आज की क्लास में हमारे अदर टॉपिक्स हम प्रोबेबिलिटी में कवर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जॉस्टिव इवेंट के साथ। एग्जॉस्टिव इवेंट बेसिकली होता क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट हम किसको बोलते हैं? तो सबसे पहले देखो, थ्योरी में हम देख लेते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट होता क्या है। हमारे पास सपोज करो, हमारे पास एक हमने एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, एक एक्सपेरिमेंट हमने डिजाइन किया है, जिसमें हमने कल भी देखा था कि एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम होंगी। सपोज करो हमने एक्सपेरिमेंट एक डिजाइन किया, और उस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास सपोज करो हमने एक्सपेरिमेंट रखा कि हमने एक कॉइन को टॉस करना है, 2 टाइम हमें कॉइन को टॉस करना है। तो हमारे पास सैंपल स्पेस कुछ ऐसा बनेगा, अपने पास हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल, ये पॉसिबल आउटकम आएंगे अपने पास। ये अपना सैंपल स्पेस बनेगा टेल टेल, ये तो हमारे पास हेड हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है, ये पॉसिबल आउटकम आएंगे अपने पास। अब आते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट के पास। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? एग्जॉस्टिव इवेंट आर द सेट ऑफ इवेंट इन द प्रोबेबिलिटी थ्योरी दैट टूगेदर कवर्स ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन इन ए एक्सपेरिमेंट और सैंपल स्पेस। अब अगर हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमने ऐसे इवेंट डिजाइन किए हैं जो कॉम्बिनेशन में, जो इवेंट है, इवेंट वन, इवेंट टू, इवेंट क्या होते हैं, हमने लास्ट क्लास में भी देखा था अपने पास। सो बेसिकली एग्जॉस्टिव इवेंट कवर्स ऑल द कॉम्बिनेशन, लाइक एग्जॉस्टिव इवेंट टूगेदर कवर ऑल द सैंपल स्पेस। सो व्हाट्स मीन बाय लाइक द कवरिंग ऑल द सैंपल स्पेस? सो लेट मी टेक द एग्जाम्पल। सो ये हमने एग्जाम्पल लिया कि सैंपल स्पेस है हमारे पास, हमने 2 कॉइन को टॉस किया है, तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम क्या आ सकती है कि दोनों अपने पास हेड हेड आ गए अपने पास, या टेल हेड आ गया, या हेड टेल आ गया, टेल टाल आ गया, या टेल टेल आ गया। यही हमारे पास कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, यही आउटकम आ सकती है हमारे पास। अब इसके अगर हम इवेंट बनाते हैं, सपोज करो हम इवेंट ऐसा बना लेते हैं इसका कि एक इवेंट बनाया हमने, ए ए इवेंट हमने रखा कि ए एक इवेंट है। किस केस में? जिसमें हमारे पास फर्स्ट, जो हमारे पास जो फर्स्ट कॉइन का रिजल्ट आएगा वो हेड होना चाहिए, फर्स्ट कॉइन का रिजल्ट हेड होना चाहिए। तो उस केस में क्या होगा हमारे पास? देखो, ये आइटम आ जाएगी अपने पास, उस केस में हमारे पास इसकी आउटपुट आएगी जब फर्स्ट हेड है, तो ये दोनों हेड हेड की आउटकम भी हमारे पास कवर हो सकती है उस इवेंट में, और हमारे पास आ सकता है हेड टेल भी। एक इवेंट की अगर हम बात करें, ए इवेंट की, जिसमें हमारे पास फर्स्ट इवेंट क्या है, फर्स्ट इवेंट जो फर्स्ट ट्रायल होगा उसकी आउटकम क्या होगी, हमारे पास जो हमारे पास फर्स्ट कॉइन जो हम टॉस करेंगे, जो फर्स्ट कॉइन हम टॉस करेंगे उसकी आउटकम हेड होनी चाहिए। ऐसे ही एक इवेंट बी ले लेते हैं। बी इवेंट में हम बोलते हैं कि जो फर्स्ट कॉइन है जब हम उसको टॉस कर रहे हैं वो टेल होना चाहिए। तो उस केस में देखो हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास टेल हेड आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो मैच कर जाएगा, फर्स्ट जो फर्स्ट आउटकम है वो क्या है, टेल है, टेल टेल भी हमारे पास मैच कर जाएगा, इसमें फर्स्ट आउटकम क्या है, टेल है। तो ये हमारे पास देखो, अब ये दो इवेंट है ए और बी, और ये अगर हम दोनों को यूनियन ले लेते हैं ए और बी का, अगर दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो ये पूरा सैंपल स्पेस कवर कर देंगे। ये देखो हमारे पास पूरा सैंपल स्पेस कवर हो जाएगा। यहाँ पे देखो हेड हेड आ भी आ गया, हेड टेल भी आ गया, टेल हेड भी आ गया, और टेल टेल भी आ गया। ये हमारे पास एग्जाम्पल है एग्जॉस्टिव इवेंट का, वो इवेंट जिनके केस में क्या है कि हम पूरा का पूरा अपना जो सैंपल है, जब हम उनका इवेंट, जब हम उनका यूनियन लेंगे, जो एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया, जब हम उनका यूनियन लेंगे तो वो पूरा सैंपल स्पेस कवर करेंगे। और अगर हम अदर वर्ड्स में इसको बोले तो एग्जॉस्टिव इवेंट आर द इवेंट दैट लीव नो रूम फॉर एनी अदर पॉसिबल आउटकम बियॉन्ड दोस इंक्लूडेड सेट। तो यहाँ पे क्या है कि कोई अलग से आउटकम नहीं रहने वाली सैंपल स्पेस में, सारी पॉसिबल आउटकम हमारे पास इन इवेंट्स में आ जाएंगी। और जब हम इसका देखो यूनियन लेंगे, सपोज करो ये इवेंट है हमारे पास E1, E2, EN, हमारे पास इवेंट है, तो इसका जो यूनियन आएगा वो सैंपल स्पेस आएगा, उसको डिनोट करते हैं एस के साथ, ये हमारे पास सैंपल स्पेस आएगा। जो रिप्रेजेंट करेगा सैंपल स्पेस क्या होता है, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो इसका यूनियन क्या आएगा, जो हमारे पास इवेंट हमने डिफाइन किए होंगे उनका कॉम्बिनेशन क्या होगा, वो सैंपल स्पेस बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम एग्जॉस्टिव इवेंट। और जो हमारे पास देखो यूनियन सैंपल स्पेस है, अब हमने क्या बोला था, अब इस केस में क्या होगा, अगर हम इनकी प्रोबेबिलिटी लें हर एक इवेंट की, इवेंट वन, इवेंट टू, इवेंट थ्री, सारे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, उसको ऐड करें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी का समीशन कितना आएगा, इक्वल टू 1 आएगा। वो इक्वल टू 1 आएगा जब हमारे पास सारे इवेंट आ जाएंगे, उनको हम ऐड कर देंगे, वो 1 आ जाएगा अपने पास। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सारे के सारे इवेंट अपने पास एग्जॉस्टिव इवेंट ही होते होंगे, तो हमारे पास नॉन एग्जॉस्टिव इवेंट कौन से होते हैं? अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ कि नॉन एग्जॉस्टिव इवेंट कौन से होते हैं। ये हमने कल एग्जाम्पल लिया था सेट थ्योरी में,
अब यहाँ पे देखो हमने सैंपल स्पेस अगेन हमने दो कॉइन का ही एग्जाम्पल लिया था, दो कॉइन को हमने फ्लिप किया। अब ये हमारे पास सैंपल स्पेस मिल गया, हेड 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 टेल टेल टेल, और हमारे पास ये आउटकम पॉसिबल आउटकम आई, ये सैंपल स्पेस है, ये पॉसिबल आउटकम आ सकती है जब हम दो हेड दो कॉइन को टॉस करेंगे। अब यहाँ पे हमने एक इवेंट लिया बी, इस इवेंट में हमने बोला कि सेकंड कॉइन क्या होना चाहिए, टेल होना चाहिए, जो सेकंड कॉइन की आउटकम है वो टेल आनी चाहिए। तो इसकी पॉसिबल आउटकम क्या आ गई, अपने पास टेल टेल आ गई, देखो सेकंड कॉइन हमने पास टेल है और एक हेड टेल आ गई, सेकंड कॉइन टेल है अपने पास। ऐसे ही हमने एक इवेंट डी बनाया जिसमें फर्स्ट कॉइन की वैल्यू क्या रखी, हमने हेड होनी चाहिए। तो इसमें देखो हमारे पास हेड हेड में फर्स्ट कॉइन की वैल्यू हेड टेल में फर्स्ट कॉइन की वैल्यू हेड है, तो यहाँ पे ये पॉसिबल आउटकम आ गई। अब इस केस को देखो आप, इस केस में क्या है, हमारे पास टेल टेल और हेड टेल कवर है, ये टेल टेल कवर हो गया, हेड टेल कवर हो गया। अब यहाँ पे देखो डी के केस में हेड हेड कवर है और हेड टेल कवर है, अगेन हेड टेल कवर हो गया। बट आप एक चीज देखते हो यहाँ पे टेल हेड नहीं कवर हुआ यहाँ पे, अगर हम इन दोनों इवेंट की बात करें, इन दोनों इवेंट में टेल हेड नहीं आया कहीं पे भी, तो ये कौन सा केस हो गया, ये हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं है। एग्जॉस्टिव इवेंट कब होगा, अगर ये सारे के सारे सैंपल स्पेस को कवर करेंगे तब एग्जॉस्टिव इवेंट होगा, इस केस में एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं होगा। ये एग्जाम्पल हमने कल भी देखा था, आज मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एग्जॉस्टिव इवेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है और नॉन एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है। अब एग्जॉस्टिव इवेंट में अगर इसको एग्जॉस्टिव इवेंट में बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक इवेंट यहाँ पे ए ले लेता हूँ, कि मैंने एक इवेंट ए डिफाइन किया और इवेंट ए में मैंने बोला कि जो हमारे पास कॉइन है, जो हमारे पास कॉइन है जब हम उसको टॉस कर रहे हैं, सेकंड कॉइन की वैल्यू हेड होनी चाहिए, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड कॉइन की वैल्यू अगर हेड करें, इसको ले लिया मैंने इवेंट ए, इसमें रख दिया कि सेकंड कॉइन जो हमारे पास है इसकी वैल्यू हेड हो, तो उसमें हमारे पास हेड हेड आ सकता है, वो सेकंड कॉइन की वैल्यू हमारे पास हेड है, और टेल हेड आ सकता है, सेकंड कॉइन की वैल्यू यहाँ पे भी हेड है। अब अगर हम कम्बिनेशन लें हम इनका, हम ए ए डी अपने पास, अब हम अगर बी और ए का यूनियन ले तो क्या है, तो हमारे पास सारा सैंपल स्पेस आ जाएगा। यहाँ पे देखो हमारा पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा इस केस में, हमारे पास हम कम्बिनेशन ले लेते हैं, यूनियन ले लेते हैं डी बी और ए का। अब देखो यहाँ पे टेल हेड भी आ गया, यहाँ पे टेल हेड भी कवर हो गया, तो अब हमारे पास ये पूरा सैंपल स्पेस यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम इसका यूनियन लेंगे इसमें सारी वैल्यू आ जाएंगी, हेड हेड भी आ जाएगा, हेड टेल भी आ जाएगा, टेल हेड भी आएगा, टेल टेल भी आ जाएगा। तो जो केस ऐसा होगा जिसमें क्या है कि जो इवेंट है, अगर हम उन इवेंट का यूनियन ले रहे हैं और वो पूरे के पूरे सैंपल स्पेस को कवर कर रहा है, उसको हम बोलेंगे बेसिकली अपने पास कि वो एग्जॉस्टिव इवेंट है। एग्जॉस्टिव इवेंट में देखो एक नोट है हमारे पास, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि जो एग्जॉस्टिव इवेंट आर नॉट नेसेसरली, ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे एग्जॉस्टिव इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, बट दे कैन ओवरलैप द आउटकम इन। अब एग्जॉस्टिव इवेंट में मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में दिखाया था, अभी पिछले एग्जाम्पल में देखो इसमें क्या है कि आउटकम कॉमन हो सकती है एग्जॉस्टिव इवेंट में। देखो अब ये वाला जब एग्जाम्पल लिया था हमने, यहाँ पे एक इवेंट ए ले लिया था जिसमें हमने बोला था कि जो सेकंड कॉइन है उसकी वैल्यू हेड होनी चाहिए, तो उसमें मैंने यहाँ पे दे दिया था हेड हेड और टेल हेड। बट आप यहाँ पे देखो, अब ये देखो यहाँ पे इन इवेंट्स में, यहाँ पे देखो यहाँ पे टेल टेल है, बट यहाँ पे देखो हेड टेल है, यहाँ पे भी हेड टेल है, कॉमन है, बी और डी में भी कॉमन है, देखो ए के वही आउटकम देखो कॉमन है, हेड टेल हेड टेल, ऐसे यहाँ पे हेड हेड है डी में और ए में भी हेड हेड है, ये कॉमन है, तो यहाँ पे ओवरलैप हो सकता है एग्जॉस्टिव इवेंट में, ओवरलैप हो सकता है, पर जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करेंगे उसमें ये ओवरलैप नहीं होगा, उसमें कोई भी आउटकम कॉमन नहीं होगी, हर एक इवेंट की अपनी अलग आउटकम होगी, वो आपस में कॉमन नहीं होगी। बट एग्जॉस्टिव इवेंट में जैसे अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे कॉमन हो सकता है, यहाँ पे ओवरलैप हो सकता है इस केस में, इस केस को बोल देंगे एग्जॉस्टिव इवेंट, और अगर इसमें यहाँ पे ओवरलैप नहीं है तब हम बोल देंगे उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यहाँ पे देखो ये कंडीशन क्या है कि एग्जॉस्टिव इवेंट आर नॉट नेसेसरली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्यों नहीं होंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अब हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, पर जब नहीं है तो वो क्यों नहीं है, क्योंकि तो उनके बीच में ओवरलैप हो सकता है, जो मैंने अभी पिछले एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन किया है। अगर हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट आर ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उस केस में क्या है, उस केस में उनका अगर इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है कि उन दोनों के बीच में ओवरलैप कितना है, दो या तीन जितने भी इवेंट है उनके बीच में ओवरलैप कितना है, कॉमन कितना पार्ट है, वो एम्प्टी आएगा, तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है जो हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट है। अब इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम।
अब यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, यहाँ पे हमारे पास एक डाई है, डाई को हमने रोल किया, तो यहाँ पे देखो सैंपल स्पेस क्या बन के आया हमारे पास, ये सर्कल स्पेस बन के आया 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबल आउटकम आई, ये सैंपल स्पेस है अपने पास। अब हमने इवेंट डिफाइन किया अपने एक्सपेरिमेंट में, इवेंट ए दिया कि रोलिंग एन इवन नंबर, कि यहाँ पे जब हम रोल कर रहे हैं डाई को तो इवन नंबर आई। अब इवन नंबर देखो इसमें से क्या है, 2 है 4 है 6 है, तो ये हमारा सैंपल स्पेस, ये हमारे पास आउटकम आ गई इवेंट ए की 2 4 6। ऐसे ही बी इवेंट लिया, ये लिया ओड नंबर का, इसमें आ गया 1 3 और 5, ओड नंबर आ गया। एक सी इवेंट लिया, इसमें ले लिया लेस देन 4, अब इसमें देखो 1 से लेके 4 तक के सारे नंबर आ गए, 1 2 3 4, ये हमने 3 इवेंट लिए। अब इनका अगर आपस में आप यूनियन लो, ए बी सी का यूनियन लो, तो इससे पूरा सैंपल स्पेस कवर होगा, ये पूरा सैंपल स्पेस कवर कर रहे हैं आपस में, और तो ये हो गया हमारे पास एग्जॉस्टिव इवेंट। बट यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे सी और बी में देखो, यहाँ पे सी और बी में कॉमन है 1 और 3, ऐसे ही सी और ए में कॉमन है 2 और 4, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बट ये एग्जॉस्टिव इवेंट है। इसके बाद आते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अब कौन से इवेंट है, जिन इवेंट में क्या है कि जो जो पॉसिबल आउटकम है उनका आपस में इंटरसेक्शन ब्लैंक है, एम्प्टी है, जो अलग अलग है इवेंट की वैल्यूज, बेसिकली उनमें कोई ओवरलैप नहीं है, उसको बोलेंगे हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहाँ पे देखो हम कंसिडर करेंगे अगेन सैंपल स्पेस, हमारा सैंपल स्पेस है, और इसमें क्या है, इसमें भी रिप्रेजेंट करता है, और सैंपल स्पेस यहाँ पे भी सेम रहेगा, सैंपल स्पेस देखो पूरी प्रोबेबिलिटी में सेम रहेगा, जो भी पॉसिबल आउटकम आएगी। अब यहाँ पे इवेंट की बात करते हैं, ये इवेंट बना लिए हमने, जैसे भी पिछले एग्जांपल में हमने इवेंट बनाए थे, वो ओड इवन नंबर वाले इवेंट बनाए थे, इवेंट बना लिए। अब इवेंट को हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू इवेंट, कोई भी दो का आपस में इंटरसेक्शन ले लो। अब ये क्या है, दो का मीनिंग क्या है, अब आपने सपोज करो यहाँ पे इवेंट बना लिए ऐसे इवन ई टू, कोई इवन नंबर का बना लिया, कोई ओड नंबर का बना लिया, जैसे अभी पीछे बनाए थे काफी सारे इवेंट बना लिए, इनमें से किन्हीं भी दो का, यहाँ पे अप टू एन मैं ले रहा हूँ अप टू एन, अब हम इंटरसेक्शन निकाल लेंगे आपस में, किसी का भी इंटरसेक्शन निकाल लो इनमें, इवन का जैसे ई इवन है, इवन का इंटरसेक्शन निकाल लो ई टू के साथ, फिर ई थ्री के साथ निकाल लो, फिर ई फोर के साथ, ई फोर ई एन के साथ, ऐसे ही ई टू का निकाल लो, ई फोर ई फाइव ई एन ई वन, सबके साथ आपस में कम्बिनेशन में हम सबका इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन हर एक केस में अपना एम्प्टी आएगा, तो उसको बोल देंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और आपस में अगर इनका एक साथ भी सबका इंटरसेक्शन निकाल दे, तब भी हमारे पास क्या आएगा, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अपने पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की बोल देंगे इनको, तब भी हमारे पास। और अगर ये इवेंट क्या है कि देखो इनका हमारे पास इंटरसेक्शन को एम्प्टी आ रहा है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। और ये सारे इवेंट का अगर हम यूनियन ले रहे हैं, और ये यूनियन कवर कर रहा है पूरे सैंपल स्पेस को, फिर हम इसको बोल देंगे कि ये एग्जॉस्टिव इवेंट भी है, कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है, कि इनका इंटरसेक्शन हमारे पास एम्प्टी आ गया, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, बट ये एग्जॉस्टिव भी है, तो उसको बोलेंगे फिर हम ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट उस केस। अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम डाई को रोल करने का, अब यहाँ पे हमने डाई को रोल करने का किया, तो यहाँ पे सबसे सिंपल हम एक आउटपुट की बात करते हैं, कि इवेंट लेते हैं कि एक इवेंट है, इवेंट में हमने रखा इवेंट, इवेंट का नाम लिया हमने कि इवेंट ए है, और इवेंट ए में क्या कंडीशन रखी कि जब इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो, इवेंट में रखा इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो, तो तब देखो क्या पॉसिबल है, सिर्फ 1 ही आएगा उस केस पे। ऐसे ही हमने एक इवेंट रखा बी, बी के केस में हमने रखा कि 3 के इक्वल हो, तो उस केस में क्या है कि 3 आएगा, तो यहाँ पे देखो अब कुछ भी कॉमन नहीं है इनमें, ये देखो ये दोनों अलग अलग है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, तो ए ए और 3 का हम आपस में यूनियन अपना इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, तो क्या निकलेगा इंटरसेक्शन, एम्प्टी निकलेगा ना, ये वो इसमें 1 है इसमें 3 है, ए और बी का जब हमें यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, तो इस केस को हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऐसे ही अपने पास कॉइन की बात कर लेते हैं, जब एक कॉइन को हम किसी भी कॉइन को हम होस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक सैंपल स्पेस बन गया हेड और टेल, हम बोल रहे हैं कि एक इवेंट बना दिया कि हेड आना चाहिए, तो एक हेड बन गया, एक आना चाहिए इवेंट की टेल आना चाहिए, अब दोनों में एक में हेड आ रहा है एक में टेल आ रहा है, कॉमन तो कुछ नहीं है, दोनों ही प्रॉपर्टी सेम है 0.0.5, बट यहाँ पे देखो कॉमन कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस को हम बोल देंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। और अब इस हेड और टेल की बात कर लेते हैं, अब यहाँ 2 इवेंट बनाए हमने, ये देखो इवेंट 1 में हेड कवर हो रहा है, इवेंट 2 में अपने पास टेल कवर हो रहा है, तो इन दोनों का यूनियन देखो क्या है, सारे इवेंट कवर कर रहा है हेड और टेल पूरा सैंपल स्पेस, तो इस केस में हमारे पास ये देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गया और एग्जॉस्टिव इवेंट भी हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गए हैं और एग्जॉस्टिव भी हो गए। इसके बाद आते हैं अब वापिस अपनी सेट थ्योरी पे आते हैं, अब यहाँ पे हम देखेंगे सबसेट और कॉम्प्लीमेंट, अगेन इन मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक ये हम जियोमेट्री व्यू से लेते हैं कि ये हमारा पूरा सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस अब आप इमेजिन कर सकते हो सैंपल स्पेस को, तो जैसे मैंने सैंपल स्पेस बनाया था डाइस के केस में, या फिर अपने पास कॉइन के केस में सैंपल स्पेस सिमिलर वे में बनेगा, अपने पास पॉसिबल आउटकम का ही सैंपल स्पेस हो गया। अब सैंपल स्पेस में से जैसे हमने पहले लिया था कि हेड का एक इवेंट बनाया कि हेड आना चाहिए, तो इस इवेंट को आप ऐसे ही इमेजिन कर सकते हो कि ये पूरा सैंपल स्पेस है जिसमें सारी आउटकम है, और ये जो इवेंट है, जो ये मस्टर्ड कलर का इवेंट ई बनाया कि ये एक पॉसिबल इवेंट है जो हम बनाते थे, जैसे ही डाइस के केस में हमने इवन नंबर वाला बनाया, ओड नंबर वाला बनाया, ऐसा ही एक इवेंट है, इसको आप इस वे में इमेजिन कर सकते हो। अब ये एक इवेंट है, ये पूरा सैंपल स्पेस है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, अब कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ये जो देखो ई की पावर सी कर दिया ना, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। अब सैंपल स्पेस में से ये इवेंट की वैल्यू निकाल के जो बाकी सारा सैंपल स्पेस बचा, इसके बिना जो पूरा सैंपल स्पेस बना, उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट। अब सैंपल स्पेस में जब हम प्रोबेबिलिटी के टर्म में बोलते हैं कि सैंपल स्पेस में जितने भी इवेंट है उन सब की प्रोबेबिलिटी का हमारे पास, अगर प्रोबेबिलिटी का यूनियन लेते हैं, हम सबको ऐड करते हैं, तो वो वन आता था अपने पास, उसका काउंट वन आता था सैंपल स्पेस का। तो अब देखो ये पूरा सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी का अगर हम एडिशन करते हैं या यूनियन लेते हैं, तो वन आएगा वो। अब वन में से अब हम बोल रहे हैं कि ये पूरा वन है, अब वन में से इस इवेंट को हम निकाल दे तो ये बन जाएगा अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये वाला इवेंट निकाल रहे हैं ना, जो ये मस्टर्ड कलर है, तो ये बन जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे देखो ई का कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई के कॉम्प्लीमेंट क्या है, वन माइनस जो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी, ये इवेंट देखो एक इवेंट निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। जैसे सपोज करो हमारे पास सैंपल स्पेस बन गया 1 2 3 4 5 6, तो इसको इस वे में भी हम देख सकते हैं कि हमने एक इवेंट बनाया कि जहाँ पे इवेंट में हमारी वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो उस केस में क्या है कि जो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 की, उसको इसमें से निकाल देंगे हम, वो आ जाएगा अपना इस इवेंट में, हमने इवेंट ले लिया कि जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल होनी चाहिए, कि ये इवेंट ले लिया। जो बाकी सारे के सारे हमारे पास वैल्यूज बची हैं वो सारी चली जाएंगी, उन सब की प्रोबेबिलिटी चली जाएगी इसके अंदर अपने पास कॉम्प्लीमेंट के केस में, इस पर्टिकुलर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें। तो इसको कर दिया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अपने पास जो भी इवेंट है उसकी, और जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस आएगी वो सबका एडिशन आएगा, वो 1 आएगा अपने पास, वो 1 आएगा अपने पास ना। देखो सारी प्रोबेबिलिटीज को आपस में ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, सब 1 बन जाएगा, तो सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1 आएगी पूरी। और जब हम इस इवेंट को इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लेंगे, तो वापिस देखो अब हमने ये निकाला था सैंपल स्पेस से निकाला था, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट बन गया था। अब इसको वापिस ऐड कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट के साथ, अब यूनियन का मीनिंग क्या है, बेसिकली ऐड कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा दोबारा से, फिर हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आएगी पूरे सैंपल स्पेस की आ जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी के टर्म में हम बात कर रहे हैं, पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, देखो जियोमेट्री व्यू से भी इसको वापस ऐड कर दे तो पूरा सैंपल स्पेस आ जाएगा ना, तो ये प्रोबेबिलिटी 1 बन जाएगी। ऐसे ही हम जब कॉम्प्लीमेंट को ऐड करेंगे उस इवेंट के, जिस इवेंट का कॉम्प्लीमेंट है उसमें ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट की इवेंट में, तो भी समीशन अपने पास 1 आएगा। तो ये हमारे पास मैथमेटिकल प्रूफ था कॉम्प्लीमेंट का, और ये हमारे पास जियोमेट्रिक पॉइंट था कि जियोमेट्री में हम कैसे देख सकते हैं कि हमारे पास ये पूरा सैंपल स्पेस है, इसमें से हमने ये प्रोबेबिलिटी, ये एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी है। अब इस सैंपल स्पेस में से हम इवेंट की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, और दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं वापस, तो वापस हमारे पास सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जो 1 है अपने पास। अब आते हैं सबसेट पे, कि हम बोल रहे हैं कि एक इवेंट दूसरे इवेंट का सबसेट है, कि ये जो इवेंट E1 है ये E2 का सबसेट है। जैसे हमने पहले एग्जाम्पल लिया था कि सपोज करो हम अपना सैंपल स्पेस ले लेते हैं, अगेन डाइस वाला ही ले लेते हैं अगेन अपने पास, तो यहाँ पे अपने पास डाई के केस में अपने पास देखो क्या पॉसिबल आउटकम होती है, अपने पास 1 से लेके 6 तक कोई भी पॉसिबल आउटकम होती है। तो सपोज करो हमने यहाँ पे ले लिया अपना कि E2 इवेंट क्या लिया हमने, E2 के केस में हमने बोला कि E2 क्या है, E2 ओड नंबर आने चाहिए E2 के केस में। सपोज करो E2 के केस में हमारे पास ओड नंबर आने चाहिए, तो E2 के केस में क्या आएगा अपने पास, देखो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, ऐसे ही आएगा। अब हमने एक कंडीशन और लगा दी, ये E2 था अपना, E1 के केस में, अब E1 के केस में क्या हो, ओड नंबर हो, E1 के केस में भी हमने बोला कि ओड नंबर हो, बट ओड नंबर के साथ जो वैल्यू है, वैल्यू अपने पास लेस देन और इक्वल टू 3 हो, लेस देन और इक्वल टू 3 लगा दी, ओड नंबर हो और लेस देन और इक्वल टू 3 हो, तो उस केस में देखो क्या है, ओड नंबर आगे 1 और 3 आएगा, 5 ग्रेटर हो जाएगा 3 से तो 5 नहीं आएगा, तो इस केस में देखो क्या है, E1 जो है अपने पास E2 का सबसेट बन जाएगा। तो अगर हम इसको यहाँ पे जियोमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो E1 में देखो क्या आ गया, E1 के आगे अंदर आ गया 1 3, सॉरी ये E2 है, E2 के अंदर आ गया अपना ये सारा डेटा 1 3 5, ये आ गया अपना E2,
E2 एक ऐसा स्पेस बन गया ना अपने पास, अगर हम सेट थ्योरी में देखें, और सेट थ्योरी में हमारे पास कोई इंडेक्सिंग नहीं होती, कोई ऑर्डर नहीं होता, तो इसलिए मैं यहाँ पे सर्कल से सेट थ्योरी में डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, इसके अंदर हम अब कलर चूज कर लेते हैं, ये सारा E2 बन गया, ये सारा E2 बन गया इवेंट। अब E2 के अंदर ही हम बोल रहे हैं कि E1 है, E1 के अंदर देखो E1 में क्या है, 1 और 3 है, तो इसको हम बोल सकते हैं E1 है। तो यहाँ पे देखो क्या कंडीशन है, ये E1 है अपने पास, कि E1 क्या है, सबसेट है E2 का, सबसेट का फॉर ये है देखो साइन, ये नोटेशन है सबसेट की। तो हम बोल रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब देखो प्रोबेबिलिटी की टर्म में भी हम बोलेंगे, जब E2 का सबसेट होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी, सबसेट होगी E2 में। तो जो E1 है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगी, या तो इक्वल होगी, अगर इसमें सारी वैल्यूज आ जाती है, सपोज करो E1 को भी हम ओड नंबर ले लेते हैं, तो इसमें देखो 5 भी आ जाएगा, फिर ये क्या सेम हो जाएंगे, फिर ये इक्वल टू हो जाएंगे, अदरवाइज ये लेस देन है। जो ये केस है इसमें देखो लेस देन आएगी प्रोबेबिलिटी, जो सबसेट की प्रोबेबिलिटी है वो उसके पेरेंट से कम आएगी। यहाँ पे सबसेट क्या है, E1 सबसेट है, E2 पेरेंट है, तो जो E1 की प्रोबेबिलिटी है वो या तो वो लेस देन होगी या इक्वल टू होगी पेरेंट के। और जब हम इसका यूनियन निकाल लेंगे वापिस, अब हम इसका देखो यूनियन निकाल रहे हैं, अब यहाँ पे देखो ये है अपने पास जो सबसेट बनाया था वो आ गया, उसका यूनियन लिया E2 के साथ, प्लस अपने पास उसका कॉम्प्लीमेंट भी लिया। अब ये सारा का सारा यूनियन लेंगे तो ये E2 ही आएगा एंड में, E2 ही क्यों आएगा, देखो यहाँ पे देखो जियोमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ये इवेंट था E2, इसकी बात कर रहे हैं हम। अब इसके अंदर है E1, E1 इसका सबसेट है, E1 इवेंट इसके अंदर है। अब अगर E1 इवेंट का कॉम्प्लीमेंट ले तो कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये आएगा कॉम्प्लीमेंट देखो, और ये बाहर नहीं जाएगा इससे, बेसिकली ये अंदर ही आएगा। E1 का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ये सेक्शन आएगा जो मस्टर्ड कलर का नहीं है, और E2 का सेक्शन है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो इनका सबका अगर हम यूनियन लेते हैं, E1 का, E1 के कॉम्प्लीमेंट का और E2 का, तो क्या वैल्यू आएगी, E2 ही आएगी ना, क्योंकि E1 क्या है, E2 के अंदर है। अब E1 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये E2 का, अब ये सेक्शन आ जाएगा E2 का जो E1 का पार्ट नहीं है, अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो। वापिस जब हम इनका सब यूनियन ले रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, E2 बन जाएगा। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे देखो E1 जो सबसेट था उसमें ऐड किया E2, और E2 और यूनियन ऑफ E1 का कॉम्प्लीमेंट, तो ये बन गया अपने पास E2 यहाँ पे। इसके बाद आते हैं हमारे पास यूनियन, यूनियन कैसे निकालते हैं, ये यूनियन का फॉर्मूला है जो सिंपली हमारा मैथमेटिक फॉर्मूला है, जो हमारा 10+2 और ग्रेजुएशन में भी यूज होता है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई, अब ये देखो प्रोबेबिलिटी की टर्म में है, अब अपना जो सारा सेट है, जो मैथ की सारी सेट थ्योरी है वो प्रोबेबिलिटी की टर्म में है। फर्स्ट इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई, सेकंड इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई, और यहाँ से माइनस कर दिया हमने इंटरसेक्शन, फर्स्ट इवेंट और सेकंड इवेंट का जो इंटरसेक्शन होगा उसको माइनस कर दिया। अब ये इंटरसेक्शन माइनस क्यों किया है, अब देखो सपोज करो ये इवेंट 1 था, और जब हमने इवेंट 1 को लिया यहाँ पे, जब हमने इसका इंटरसेक्शन या जब हमने इसका यूनियन निकाला, तो इवेंट 1 सारा आ गया, इस इवेंट 1 की प्रोबेबिलिटी आ गई सारी। जब हमने इवेंट 2 की प्रोबेबिलिटी ली तो इस पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई, अब इस पूरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ गई। बट आप चेक चीज देखो, ये जो कॉमन सेक्शन था ये E1 में भी आ गया, E2 में भी आ गया, 2 टाइम आ गया, इसलिए इसको 1 टाइम हम यहाँ से माइनस कर रहे हैं, इसके इंटरसेक्शन को इसलिए माइनस कर रहे हैं, कि जो कॉमन पार्ट था, जो इंटरसेक्शन था वो 2 बार आ गया था, इसलिए इसको एक बार माइनस कर देते हैं यूनियन के फॉर्मूला में। ये यूनियन का फॉर्मूला था अपने पास प्रोबेबिलिटी। अब इसके बाद आते हैं कुछ एग्जांपल्स करते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल आया अपने पास, ये सिंपल प्रोबेबिलिटी का है जिसमें सिर्फ एक केस है, इसके बाद मल्टीपल केसेस करेंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल किया हमने प्रोबेबिलिटी का, कि प्रोबेबिलिटी हमें चेक करनी है, पिक करनी है ये रेड बॉल, एक बॉल यहाँ पे पिक करनी है। अब प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, जब एक एक आइटम हम पिक करने लग रहे हैं तब वेस हमारे पास लिमिटेड होंगे, सिर्फ एक ही आइटम पिक करनी है, पर जब हम एक से ज्यादा करेंगे तब हमारे पास मल्टीपल वेस हो जाएंगे, कि जब पहले हमने एक आइटम पिक की थी तो हमारे पास नंबर ऑफ आइटम ज्यादा थी, जब एक को पिक कर लिया फिर दूसरी को पिक करने गए तो हमारे पास नंबर ऑफ वेस कम ज्यादा हो जाएंगे ना उसके साथ ही। जैसे सपोज करो इस केस में हमारे पास सिंपल है, सिर्फ एक ही बॉल पिक करनी है, कहाँ से पिक करनी है, एक बैग है जिसमें 4 व्हाइट बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, 6 रेड बॉल है, ऐसे अपने पास बॉल्स हैं। तो इसमें देखो कैसे टोटल पॉसिबल आउटकम क्या आती है, सैंपल स्पेस क्या बनता है। अब यह सैंपल स्पेस हम बना देते हैं इसका, इसमें 4 व्हाइट बॉल है, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, नंबर ऑफ रेड बॉल, इन सबको हम प्लस कर देंगे, 4 व्हाइट बॉल, 4 ब्लैक, 6 रेड, ये बन जाएगा सैंपल स्पेस 15, हमारे पास 15 बॉल है। अब इनमें सिर्फ एक पिक करनी है, अब जो पिक करनी है उसका कलर दे दिया रेड कलर का, अब रेड कलर की कितनी बॉल है, नंबर या फेवरेबल आउटकम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बोलेंगे, नंबर ऑफ बॉल्स जो हमें जिस कलर की बॉल हमें पिक करनी है, फेवरेबल आउटकम क्या है, रेड बॉल पिक करनी है, तो कितनी रेड बॉल है, 6 है। अब प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे रेड बॉल को पिक करने की, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 रेड बॉल है, 6 आ जाएगा,
उसको डिवाइड करेंगे टोटल पॉसिबल आउटकम से, वो 15 थी अपने पास, तो यहाँ पे आ जाएंगे 6 को 15 से डिवाइड करेंगे 2/5 और ये आ जाएगा 0.4। और अब इसके साथ अब ये यहाँ पे थी एक बोल, अब एक बोल से ज्यादा कर देते हैं, दो कर देते हैं, तीन कर देते हैं, फिर हमारे पास कॉम्बिनेशन बढ़ जाएंगे, फिर हमारे पास कॉम्बिनेशन बढ़ जाएंगे, और इस ऐसे ही हम कलर भी ऐड कर देते हैं, एक रेड बॉल पिक करनी है, दो ब्लू बॉल करनी है, तो हमारे पास कॉम्बिनेशन बढ़ जाएंगे, तो उन कॉम्बिनेशन को हैंडल करने के, ये तो सिंपल था, एक बॉल का केस था, ये हमने फेवरेबल आउट प्रोबेबिलिटी से कर लिया। और जब कॉम्बिनेशन आ जाएंगे तब उसके लिए हम कॉम्बिनेशन फॉर्मूला यूज करेंगे, उसको बोलते हैं अपने पास कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, उसमें कॉम्बिनेटरी अपने पास टर्म होती है प्रोबेबिलिटी में, वो हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशन फॉर्मूला की हेल्प से करेंगे। अब कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होगा, कॉम्बिनेशन फॉर्मूला को हम एन चूज आर भी बोलते हैं, कि हमें आर आर आइटम चूज करनी है, कितनी आइटम से, एन आइटम से, और इसको बाइनोमियल कोफिशियंट भी बोलते हैं। अब इसमें देखो ये हमें बेसिकली देखता क्या है, ये नंबर ऑफ वेज देखता है, नंबर ऑफ वेज किस चीज के देगा, कि आइटम आर, जो ये आइटम आर आप चूज करने लगे हो एन आइटम में से, इसके नंबर ऑफ वेज कितने हैं चूज करने के। अब सपोज करो अब हमारे पास, अब आगे मैं एग्जाम्पल से भी आपको बताऊंगा, कि हमारे पास सपोज करो 15 बोल्स है, उसमें से हमें 3 बोल चूज करनी है। अब 15 बोल के कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे आपस में, 15 बोल है अलग अलग कलर की है, उनके आपस में जितने भी वेज बन जाएंगे चूज करने के, वो सारे के सारे वेज की कितने टाइप के हम कर सकते हैं, तो उसके वो जो नंबर ऑफ वेज होंगे, तो वो नंबर ऑफ वेज ये कॉम्बिनेशन फॉर्मूला हमें देगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है देखो इसको सोल्व कैसे करते हैं, जैसे ये हमारे पास नंबर ऑफ आइटम हो गया जितनी हमें सिलेक्ट करनी है, आर हो गया वो, एन हो गया टोटल नंबर ऑफ आइटम, एन क्या है टोटल नंबर ऑफ आइटम, आर कितनी है जो आइटम हमें चूज करनी है, जो सबसेट चूज करना है, तो यहाँ पे देखो फैक्टोरियल निकालते हैं एन का फैक्टोरियल और डिवाइड करते हैं उसको आर फैक्टोरियल, और आर फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसकी हेल्प से हम वो नंबर ऑफ वेज निकाल लेंगे। ये प्रोबेबिलिटी नहीं निकल रही, ये नंबर ऑफ वेज निकल रहे हैं। तो इसमें सपोज करो आपने पास यहाँ पे एन की वैल्यू है 15, 15 में से हमें 2 पिक करनी है। अभी वेज की बात कर रहा हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहा। अभी यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 15 का फैक्टोरियल आ जाएगा और उसको डिवाइड करेंगे 2 का फैक्टोरियल, और 2 के फैक्टोरियल के साथ आ जाएगा 15 - 2 इसका फैक्टोरियल पूरा, इसके साथ ये आ जाएगा अपने पास फॉर्मूला। अब इसको 15 को हम इस वे में भी लिख सकते हैं, ये फैक्टोरियल है, मैथमेटिक फैक्टोरियल है अपने पास, 14 * 13 इस वे में भी लिख सकते हैं, और 13 का फैक्टोरियल, अभी मैं बताऊंगा 13 का फैक्टोरियल से आगे क्यों नहीं सोल्व किया, इसको हम वैसे 1 तक सोल्व कर सकते हैं, और नीचे आ जाएगा 2 * 1 फैक्टोरियल को सोल्व कर दिया, और ये जो ब्रैकेट में था देखो 3 - 2 आ गया, 3 - 2 आ गया 13, और 13 का फैक्टोरियल था, तो ये 13 के साथ 13 का फैक्टोरियल और 13 का फैक्टोरियल आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2, ये आ गया अपने पास, ये अपने पास आ गया यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 0, 15 * 4 = 60 बन जाएगा, और अपने पास 0 आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 210, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 105, इस वे में आ जाएगा 105। तो ये 105 प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये नंबर ऑफ वेज है। नंबर ऑफ वेज किस चीज के हैं, कि हम इन 15 बोल्स, अगर बोल का ही एग्जाम्पल है, इन 15 बोल में से 2 बोल पिक करने के जो नंबर ऑफ वेज है वो ये 15 है। अब यहाँ पे दो दो पिक करनी है ना, तो इसके कॉम्बिनेशन बन गए आपस में, कि पहली 2 कर लो, फिर दूसरी तीसरी कर लो, पहली तीसरी कर लो, पहली चौथी कर लो, ऐसे कितने कोई भी बोल पिक कर सकते हैं, ये इसमें से कॉम्बिनेशन ये वे बन गए। अब इसके बाद हम इस एग्जाम्पल से सोल्व करेंगे, अब इसमें कलर ऐड कर देते हैं, कि हमें ये तो चलो टोटल नंबर ऑफ वेज है कि हम 2 बोल पिक कर सकते हैं, बट वो 2 बोल एक पर्टिकुलर कलर की करनी है, तो उसके बेस में हम वो कलर कलर से क्या निकाल लेंगे, अब कलर ऐड कर देंगे तो वो फेवरेबल निकल जाएगा कि पिक क्या करना है, तो उसके बेस आ जाएंगे फिर टोटल जो क्या है, जो उस पर्टिकुलर वेज आएंगे, फेवरेबल वे आएंगे उसके, जिस भी आइटम को हम पिक करने वाले हैं उसको टोटल वे से डिवाइड कर देंगे, तब हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो इसको अब हमें एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, अब यहाँ पे देखो एक बैग है, इस बैग में 7 व्हाइट बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, 4 रेड बॉल है, ये बॉल है। अब यहाँ से हमें 2 बॉल, अब देखो यहाँ पे 2 बॉल पिक कर रहे हैं, एक बॉल नहीं है यहाँ पे, 2 बॉल है यहाँ पे, 2 बॉल रैंडमली पिक करनी है हमें, और हमारे चेक करना है कि वो जो दोनों बॉल आ रही है वो व्हाइट है, हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है कि वो दोनों बॉल व्हाइट है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले हमें क्या निकालना है, पहले हमें इन टोटल जो बॉल्स हैं हमारे पास इसके वेज निकालने पड़ेंगे, कि इनमें से 2 बॉल निकालने के कितने वे हैं, कितनी तरह हम 2 बॉल निकाल सकते हैं। अब ये देखो इसका ऐड करेंगे हम, 7 और 5 हो जाएगा 12 और 4, 16 बॉल है, इनमें से 2 बॉल निकालने के नंबर ऑफ वेज। अब ये 16 बॉल के आपस में फर्स्ट सेकंड निकाल सकते हैं, फर्स्ट थर्ड सेकंड थर्ड, फर्स्ट फोर्थ सेकंड फोर्थ, थर्ड फोर्थ, ऐसे आपस में कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, तो वो नंबर ऑफ वेज है
वो निकाल लेंगे हम कॉम्बिनेशन फॉर्मूला से, ये फॉर्मूला जो मैंने अभी बताया था। तो ये देखो, आउट ऑफ 16 बॉल 2 बॉल कैन बी ड्रोन, तो उसको हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने निकाल लिए नंबर ऑफ पेस, 16 में से 2 बॉल निकालने के, हमने कॉम्प्लीमेंट्री अपना जो पीछे अभी कॉम्प्लीमेंट्री सोल्व किया था वही कॉम्प्लीमेंट्री वाला, सॉरी जो पीछे हमने फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला था वही फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला है। देखो नंबर ऑफ बेस निकालने के कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला, उसकी हेल्प से हमने इसको सोल्व किया, तो नंबर ऑफ बेस आ गया हमारे पास 120। ये मैथमेटिक है, सिंपल मैथमेटिक है, आप अपने एंड पे भी सोल्व कर सकते हो इसको, सिंपली मैथमेटिक है जो मैंने अभी फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया था। देखो ये 16 का कॉम्प्लीमेंट, ये फैक्टोरियल निकाला, 2 का फैक्टोरियल निकाला, और यहाँ पे 16 - 2 हो गया, फिर 14 फैक्टोरियल हो गया, तो 14 तक का यहाँ से डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, और फिर अपने पास 16 × 15 और 2 × 1, फिर ये 16 15 आ जाएगा अपने पास, मल्टीप्लाई करके 240, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 120 आ जाएगा। इसको आप इजिली सोल्व कर सकते हो इस फॉर्मूला की हेल्प से। ये नंबर ऑफ वेज आगे कि 16 बॉल हैं टोटल, उनमें से 2 बॉल निकालनी है, उसके नंबर ऑफ वेज आगे। अब आते हैं कि वो 2 बॉल का कलर क्या है। अब उन 2 बॉल का कलर क्या है, व्हाइट कलर है, उन्होंने बोला कि व्हाइट कलर की निकालनी है। अब नंबर ऑफ फेवरेबल वे निकालते हैं कि अब नंबर ऑफ फेवरेबल वे कितने हैं, फेवर क्या है, फेवरेबल क्या है, फेवरेबल हम निकालने वाले किसमें इंटरेस्टेड, किसमें हम व्हाइट बॉल में इंटरेस्टेड है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल वे अब 7 बॉल में इंटरेस्टेड है, 7 7 बॉल है, 7 बॉल में से 2 बॉल निकालने के नंबर ऑफ फेवरेबल वे कितने आएंगे, तो उसमें भी हम कॉम्बिनेशन फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे भी 7 बॉल है, अब ऐसे कुछ करके 7 बॉल होंगी ना, यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने बॉल बना दी, यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे 7 बॉल बना दी, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हम ये दोनों बॉल पिक कर ले, और एक पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट और ये थर्ड पिक कर ले, एक प्रोबिलिटी है फर्स्ट और फोर्थ पिक कर ले, फर्स्ट और सिक्स पिक कर ले, ऐसे ही हम डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन में आपस में कर सकते हैं। ये सारी आपस में इतने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे इनके, आपस में कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन बन जाएगा, इसका इसके साथ बन जाएगा, इसका इसके साथ बन जाएगा। तो ये जो नंबर ऑफ बेस है, ये नंबर ऑफ बेस कैसे निकालेंगे हम, इस कॉम्बिनेशन फॉर्मूला से निकालेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन फॉर्मूला को अगेन हम अपने फैक्टोरियल से सोल्व करेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी 21। अब 21 आ गया हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल वे, और जो टोटल वे थे 16 में से 2 बॉल निकालने के थे वो थे 120। अब इसको 21 को 120 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, किस चीज की प्रोबेबिलिटी कि 2 बॉल सिलेक्ट करनी है, व्हाइट बॉल सिलेक्ट करनी है, किससे सिलेक्ट करनी है, अपनी टोटल 16 बॉल से। तो इस वे में हमारे पास देखो कॉम्बिनेशन के साथ हमने निकाला यहाँ पे। अब इसका थोड़ा क्रिटिक, यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देते हैं, यहाँ पे कलर भी ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली क्या है हमारे पास, देखो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमने, हमने यहाँ क्रिटिकल लेवल इंक्रीज कर दिया, यहाँ पे 3 बॉल फाइंड करनी है, कितनी बॉल से निकालनी है, 10 बॉल से निकालनी है। बट यहाँ पे देखो हमने 2 कलर ऐड कर दिया है, इंटेंसली हमने क्रिटिकल लेवल बढ़ा दिया है, यहाँ पे 2 व्हाइट बॉल है, सॉरी 1 व्हाइट बॉल है, 2 ब्लैक बॉल है, यहाँ पे देखो हमने बढ़ा दिया है क्रिटिकल लेवल, यहाँ पे अपने पास बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी लेवल हमने यहाँ पे बढ़ा दिया है। तो 10 बॉल है, 10 बॉल में क्या है, 5 व्हाइट है, 5 ब्लैक है, इनमें से 3 बॉल हमें पिक करनी है, उसमें से वो होनी चाहिए, 1 व्हाइट होनी चाहिए, 2 ब्लैक होनी चाहिए, ये हमारा देखो यहाँ पे प्रॉब्लम बना दी हमने। इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ वेज कि 10 बॉल में से 3 बॉल को कैसे निकाल ले, अपना कॉम्बिनेशन फॉर्मूला लगाएंगे, उसकी हेल्प से अपने पास नंबर ऑफ वेस आ जाएंगे 120, 10 बॉल में से 3 बॉल निकालने के जो नंबर ऑफ वेस है। फिर 5 में से देखो 5 व्हाइट बॉल है, उसमें से 1 व्हाइट बॉल निकालनी है, तो यहाँ पे देखो 5 में से आ जाएगा, सॉरी ये 5 आएगा यहाँ से, 5 में से 1 हम निकाल लेंगे तो उसका आ जाएगा 5, ये टाइपो है, 6 नहीं, 5 आएगा कॉम्बिनेशन फॉर्मूला से। ऐसे 5 में से हमें 2 ब्लैक बॉल निकालनी है, तो यहाँ से कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे अपने, तो यहाँ पे इस केस में आ जाएगा 2 आ जाएगा इस केस में अपने पास। तो यहाँ पे देखो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी जब निकलेगी, अब फेवरेबल आइटम हमारे पास फेवरेबल में कौन से हैं, 2 हैं, व्हाइट बॉल के हैं, ब्लैक बॉल के हैं, तो इन दोनों को हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड करेंगे तब टोटल नंबर ऑफ वे से। तो यहाँ पे देखो ये 50 को 120 से डिवाइड करेंगे, तो 5 को 12 से डिवाइड करके इसकी प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। तो ये था हमारे पास एनोदर एग्जाम्पल। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में अपने पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी और बेजियन थ्योरम कवर करेंगे, और ये बेसिकली प्री रिक्विजिट था, ये हम जो बेसिक प्रोबेबिलिटी क्यों कर रहे हैं, बेसिकली हमें डेटा साइंस में देखो हम बेजियन से स्टार्ट होंगे, बेस थ्योरम से हम स्टार्ट होंगे, फिर उसके बाद एडवांस थ्योरम पे जाएंगे, तो उसके लिए जो प्री रिक्विजिट है हमारे पास कि हम सिंपल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, सैंपल स्पेस क्या होता है, रेंडम वेरिएबल क्या होते हैं, फिर ये कॉम्बिनेशन में हम नंबर ऑफ वेज कैसे निकालते हैं, इनको हेल्प करके प्रोबेबिलिटी कैसे निकलते हैं, हम ये भी बेसिक कर रहे हैं, इसके बाद हम थोड़ा एडवांस में जाएंगे। तो कल हम लेक्चर में कवर करेंगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।